अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लीजिए बिशी दवाई। हालिन पुत्र। जी बीजी। सब ठीक है? जी बीजी सब ठीक है। इधर बैठो मेरे पास। क्या हुआ बीजी? अब बताओ बात क्या है? कोई बात नहीं है। हालिन पुत्र मुझे ये बता, मैं कौन हूँ तुम्हारी? जी माँ हूँ ना तुम्हारे। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? जब तुम्हारी शादी हुई ना हरमन से, तब छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ 18 साल की। मैंने तुम्हारी जिंदगी का पूरा सफर देखा है, कब तुम्हारा मन अच्छा होता है कब नहीं, कौन सी बातें तुम्हें असर करती है कौन सी बातें असर नहीं करती है, सब समझती हूँ मैं, सब पता होता है मुझे, इतना तो मानती है ना तुम? हरलिन पुत्र तू झूठ मत बोल कि तू ठीक है, मैं जानती हूँ तू ठीक नहीं है। बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है तेरे मन में, किसी कश्मकश में है तू, है ना? बता बेटी। सच में आप मेरी माँ, बिना मेरे कुछ बोले आप सब समझ जाती हूँ। मेरे अंदर एक तूफान उठा है, एक अजीब सी कश्मकश है दिल में, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। जो सामने दिख रहा है वो सच है या झूठ, छल है या कपट, जमाना अच्छा है या बुरा, नहीं परख पा रही हूँ मैं। पता हरलीन बात क्या है? मैं खुद ही नहीं कुछ समझ पा रही हूँ, आपको क्या बताऊँ बीजी? नहीं समझ पा रही हूँ मैं कुछ भी बीजी। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मोनिशा हमारे परिवार के लिए अच्छी, वो चिंता करती है, केयर करती है हमारे परिवार की, और वो लड़की पूर्वी वो हमारे आरवी के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए आज तक मैं उसे अपना नहीं पाई, उसे खुद से, अपने बच्चे से, अपने परिवार से दूर ढकेलती गई और उसे ये कहती रही कि उसे घर छोड़ के जाना है। ये सब कुछ तो आपने देखा ही है ना? देखा है ना? देखा मैंने। पर पीछे मेरे ये सब कुछ कहने के बावजूद, उसकी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद वो गई नहीं, वो यही पे है इसी घर में, किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ करके वो यही रुकी रही। एक तरीके से उसका यहाँ रुकना अच्छा ही साबित हुआ। उसने जो भी किया, जिस भी तरीके से किया, जो जरूरी था वही किया। एक बहू होने के नाते, एक बेटी के नाते, एक जीवन साथी के नाते जो जो उसको करना चाहिए था ना बीजी, उसने वही किया। थैंक्स। हाँ जी मैं भी तो वही कह रहा हूं। क्या तूने थैंक्स बोला? ओ तुम मेरी नकल क्यों करता है, मेरी बात को रिपीट क्यों करता है? अरे नहीं नहीं दादू, मैं आपकी बात को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि थैंक्स किसे बोलना है, ये बात समझ में नहीं आई। ओ माय गॉड दादू। ओ माय गॉड युग। क्या है ये यार, तुझे सीरियस नहीं पता किसको थैंक्स बोलना है? क्या तुझे क्या लगा किसको बोलना है थैंक्स? ओए थैंक्स पूर्वी को बोलना है ना, तू क्या समझ रहा है, मोनिशा को बोलना है? यार दादू मोनिशा, सीरियसली? हाँ यार मोनिशा, वो कुंडल बालों वाली वो घर में ऐसे घूमती रहती है जैसे सबसे बढ़कर। अरे दादू अब... नहीं नहीं मैं बस यही बोल रहा हूँ, वो है तो हमारे साथ लेकिन वो क्या करती रहती है मेरी समझ में नहीं आता। समझ तो मुझे भी नहीं आता, वो चाहती क्या यार, वो रहती क्यों है यहाँ पे? दादू वो क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती है वो, जो पूर्वी कर सकती है वो मोनिशा कर सकती है क्या? नहीं ना। हाँ वो तो है ही है। हाँ। जो पूर्वी कर सकती है वो थोड़ी कर सकती है, इसीलिए तो पूर्वी तुम्हारी वाइफ है। यस वाइफ, वाइफ फॉर लाइफ, लाइफ पार्टनर। हाँ। और क्या अर्धांगिनी, अर्धांगिनी बेटर हाफ है तुम्हारी, तुम्हारी पत्नी है वो, पता है उसके अधिकार है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके हक हैं, उसका समर्पण देखा है तेरे लिए, हमारे परिवार के लिए उसकी चिंता देखी है हमारे परिवार के लिए। ओए खोतिया बात बड़ी सिंपल सी है, हम मर्दों को ये समझना चाहिए कि बहू बेटियां घर की इज्जत होती, समझा? और पूर्वी ने ये साबित करके दिखाया है, तभी तो वो तुम्हारी पत्नी। पूर्वी ने जो किया है ना, उसने इस घर की इज्जत को बचाया है।
और जो काम पूर्वी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। वही उसने अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के किया। और वो रिस्क किसके लिए लिया? तेरे लिए भाई, तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तेरी इज्जत, इस घर की इज्जत को बचाने के लिए, इस घर को जोड़ने के लिए, ये घर टूट ना पाए, ये सब उसने किया। अब तू खुद ही बता, ऐसी लड़की के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है ना, वो जगह कोई और दूसरा नहीं बना सकता। Exactly. मेरे भी दिल में भाभी के लिए बहुत इज्जत है। I'm proud of her यार, मेरे को ऐसी भाभी नहीं मिल सकती थी। Thank you bro. तभी तो शुरू से मेरी पसंद पूर्वी ही थी। और मेरी भी। पता है, पूर्वी मेरी पसंद थी, इस पे मुझे कितना गर्व है। ओए मेरा सीना चौड़ा हो गया यार। तू सेम यार, मुझे भी गर्व है। I am proud of her यार भाई। यार तू सोचना, कितना लकी है तू यार। हाँ, बस पूर्वी बेस्ट है, और कोई बेस्ट नहीं है। ओए और कुछ नहीं, खाली इतनी उम्मीद तो रख सकता हूँ ना तेरे साथ कि तूने कम से कम थैंक्स बोला होगा कि नहीं। बोल दिया होगा शायद इसने। नहीं, थैंक्स। एक सेकेंड, मतलब तूने सच में अभी तक भाभी को थैंक्स नहीं बोला? अरे दादू यार, ये ओए खोते यार, तू ना, तू मेरा पोता नहीं है। आज से बस काटा दादू, काटा मार दिया तुझे। अरे दादू, मैं तो हूं ना आपका पोता। सुनो सुनो सुनो। अरे मतलब सच में पूर्वी को तूने अभी तक थैंक्स नहीं बोला? नालायक, ऐसे कैसे कर सकता है? तू मेरा पोता नहीं है। और मेरा तो भाई बिल्कुल नहीं। भाई यार, तूने सीरियसली भाभी को थैंक्स नहीं बोला? अरे यार दादू, ये भाई पता नहीं लेकिन अच्छा हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं है। पर लकी है जो इसकी शादी पूर्वी से हो गई है। अरे अच्छा, ओके ओके, सॉरी, मैंने आपकी अच्छी पूर्वी को थैंक्स नहीं बोला। अच्छी नहीं, वो बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट भाभी। वो तो बेस्ट है लेकिन तू बेस्ट नहीं है, ये तूने साबित कर दिया। अब माफिया मांगता, चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा। वैसे समझने वाली एक और बात है दादू। मतलब? वो तो अच्छा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से हो गई, पर एक बार के लिए आप सोचिए कि गॉड फॉरबिड अगर नेत्रा ने शादी के लिए हाँ कर दी होती तो, अगर पूर्वी ने उसको समझने में गलती कर दी होती तो क्या होता? पूर्वी ने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, अगर उसके बॉयफ्रेंड से उसका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया होता तो क्या होता? और अगर वो ऐसी लड़की होती जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती तो मेरा क्या होता? वो तो शादी के लिए हाँ कर देती, ऐसा मौका छोड़ती वो, तो बलि का बकरा कौन बनता? मैं। हाँ, सो प्लीज, हाँ पूर्वी अच्छी है लेकिन वो खतरों के साथ भी बहुत खेलती है। आई मीन, ऐसा रिस्क कौन लेता है यार? एंड बाय द वे, आप अभी खुश हो जाओ क्योंकि मैंने थैंक्स बोल दिया पूर्वी को। मतलब तूने मैसेज कर दिया? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, अब ना तू फेस टू फेस भी कर देना आमने सामने जब आएगी भाभी। हाँ, अभी तो अपने घर से वापस नहीं आई है लेकिन जब आएगी तो आमने सामने भी बोल दूंगा। मैं तो ये जफ्फी डालता हूँ। मैं भी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।